अस्सलाम वालेकुम आदाब, खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसआर स्टार, दिस इज रहीम। अभी हम लोग आए हैं, अभी हमारा दिन का तीसरा वीडियो है। पहले गोलकुंडा पर बनाए थे, उसके पास सेकंड जो था कुतुबशाही सेवन टाउंस पर। अभी हम लोग लुम्बिनी पार्क पर आए हैं। कल हमने तीन ऑलरेडी बनाए थे, सबसे पहला चौमेला पैलेस और उसके बाद जो सेकेंड बनाया था हमने NTR गार्डन और उसके बाद उत्सव मेले का बनाया था। अभी हम लोग लुम्बिनी पार्क पर हैं और यहाँ पर संडे तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, तो आज भी बहुत सारा रश है। चलिए आपको रश दिखाता हूँ। बट इनके पास एक अच्छा सिस्टम ये है कि ऑनलाइन में आप टिकट्स निकाल सकते हो। ऑनलाइन में HMDA पार्क्स बोल के आप वेबसाइट है, HMDAParks.com, तो इस पर आप जाकर आप टिकट निकाल ले सकते हो। जब आप टिकट निकालेंगे ईजिली आप QR कोड दिखाकर अंदर एंट्री कर ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कहाँ पर रहेगा और आपको भीड़ बता देता हूँ कैसी है। देखिए अभी हम लोग तो अंदर जा रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ है और यहाँ पर आई थिंक कहीं आगे एक ऑनलाइन का सिस्टम है। ये देखिए संडे के दिन आपको, ये देखिए संडे काफ़ी सारी भीड़ है और टिकट लाइन की तरफ भी भीड़ है और उसके साथ ये यहाँ पर जो QR कोड है और HMDAParks ये वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, तो इसमें हमने ऑनलाइन निकाल लिए। अभी चलिए अंदर एंट्री गेट की तरफ चलते हैं और अंदर जाते हैं। तो ये रहा एंट्री गेट भाई, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आप ऑनलाइन में QR कोड दिखा के सीधा डायरेक्ट आप अंदर एंट्री ले सकते हो। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद लुम्बिनी पार्क के अंदर एंट्री। तो भाई सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर आ गए और अंदर काफ़ी सारा रश है। चलिए आपको एक बार पार्क दिखा देते हैं। तीन रश है, संडे का काफ़ी सारा रश है और उसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिए असल रश यहाँ पर दिख रहा है। टिकट काउंटर पर जितना रश है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हर तरफ रश दिख रहा है और हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है भाई। जिधर बोले उधर देखिए आप क्राउड है, इधर देखिए क्राउड है, हर जगह क्राउड है। ये एक अच्छा अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पर वाटरफॉल ऊपर से होता है और उसके साथ साथ आप पीछे खड़े के बैकग्राउंड में अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। चलिए इसको भी आपको एक बार करीब से दिखा देते हैं। काफ़ी मज़ेदार जगह है लेकिन आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ काफ़ी दबा के भीड़ है आज यहाँ पर। चलिए हम लोग इसके अंदर से एक बार जाकर आते हैं भाई। यहाँ पर देखिए ये लोग यहाँ पर खड़े होकर इंजॉय करते हैं मस्त। ये वाटर के यहाँ से आपको पूरा रास्ता जाने के लिए आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। आई थिंक मैं भी ट्राई करता हूँ बट मोबाइल वगैरह तो जलना तो नहीं बटा हट जरा। तो देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ से आप जा सकते हो। पब्लिक फुल इंजॉय कर रही है, एकदम बेहतरीन अंदाज से पानी गिर रहा है। अंदर तो जाकर आ गए, थोड़े कपड़े वगैरह गीले हो गए। यहाँ पर आपको थोड़ा राइड से जो जैसा हर जगह रहती है, यहाँ पर ये बुलगे राइड है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए छोटा सा पार्क टाइप में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर ये भी इंजॉय कर सकते हो। और सबसे जो मेन है, जो पब्लिक आती है लुम्बिनी पार्क में आने का जो रीज़न रहता है, ये हुसैन सागर लेक में जो बोटिंग करने का जो एडवेंचर मिलता है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। तो ये चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आती है। अभी यहाँ से आने के बाद हम भी ट्राई करेंगे, अभी देखते हैं अगर बोट में अगर कुछ अवेलेबिलिटी रहा तो हम लोगों को भी स्पेस मिलता है या नहीं मिलता है, चलिए देखते हैं। ये वे टू बोटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। देखिए हर जगह काफ़ी सारी पब्लिक है, इधर भी इधर भी तकरीबन हर तरफ ज़्यादा पब्लिक है। और यहाँ सामने देखिए आपको यहाँ पर फूड स्टॉल्स है, यहाँ पर आप फूड को आप इंजॉय कर सकते हो। ये सब सारी यहाँ पर आपको स्नैक्स की दूसरी सारी चीज़ें दुकानें रहेंगी आपको। अब यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो ये बोटिंग में जो सिस्टम है, सबसे पहले आपको खैरुन्निसा बोट, इसका एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 80 रुपीज़ टिकट है। स्पीड बोट का 350 रुपीज़ है और उसके बाद जो भी आपको राजमसा फैमिली बोट जिसमें आपकी फैमिली मेम्बर आप सब लोग इंजॉय कर सकते हो, इसका पर हेड 500 रुपीज़ है। और उसके बाद जो डीलक्स बोर्ड है इसका भी आपको 700 रुपीज़ है। तो जिसका आप जल्दी टिकट मिलता है वो ट्राई करेंगे। चलिए भाई क्या बोल के बोटिंग करेंगे, बोटिंग के लिए आप देखिए जो हालत है अभी फ़िलहाल, बोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। तो आई थिंक अपना तो नंबर नहीं आएगा।
देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा क्राउड है। और देखिए ये बोट के लिए जो वहाँ पर हम लोगों को गौतम बुद्ध का जो स्टैच्यू है वहाँ पर जाने के लिए ये बोट की काफ़ी लंबी लाइन है। अब देखते हैं पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। टिकट तो 50 रुपीज़ है, इसका ही जल्दी मिलेगा। दूसरों के लिए तो जो प्राइवेट बोट है या स्पीड बोट है उसके लिए तो काफ़ी लंबी लंबी लाइन है, और उसमें एक से दो लोग, तीन लोग, चार लोग ऐसा ही है, तो बहुत लंबा प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए एक बार मैं 10 मिनट रुक के देखता हूँ, अगर जल्दी पब्लिक, अगर यहाँ से अगर पब्लिक जल्दी निकल जाती है तो उसके बाद हम लोग भी ये बड़े वाले बोट में बैठ के निकल जाएंगे। तो चलिए ज़रा वेट करते हैं, अब आए जैसा जा कर आएंगे। यहाँ पर टिकट के लिए काफ़ी सारी लाइन है, तो अभी यहाँ तो खड़े गया हूँ मैं, अभी देखते हैं कब तक नंबर आता है। नंबर आने के बाद ये हम लोगों का क्यू है, तो काफ़ी लंबी लाइन है। अगर नंबर आया तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ किसी और को दे देंगे। तो यहाँ पर अभी पहुँच गया टिकट काउंटर, अडल्ट का 50 रुपीज़, बच्चों का 30 रुपीज़ है। भाई एक देना टिकट, एक टिकट भाई। देखिए यहाँ पे एक डांस बोट का भी ऑप्शन है जिसपे डीजे रहेंगे, आप जाके बोट पे एंजॉय कर सकते हैं अपने को। भाई नाचने आता भी नहीं, नाचने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए अपनी नॉर्मल जो स्टैच्यू पे जो बोट जाती है उसका टिकट तो मिल गया, अगर आधे पौन घंटे में अगर यहाँ से निकल गए तो ठीक है। भाई देखिए खड़े तो हो गए, लाइन तो काफ़ी लंबी है, यहाँ से स्टार्ट होकर देखिए पूरा वहाँ तक जा रही है स्टैच्यू पे लेने के लिए। और इसमें गुड थिंग क्या है बोले तो, एक बारी में जब बोट भरेगा उसमें एक नियर अबाउट 70-80-100 पीपल्स भर जाएंगे, तो आई थिंक इसमें जल्दी मिल जाने का चांस है। तो हम जाकर स्टैच्यू के पास जाकर आ जाएंगे। स्पीड बोट पे तो 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, और दूसरे सब बोट को 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग है। तो यही स्वस्थानी मस्त जो रहेगा ये बढ़िया है, चलो इसमें जाके बैठेंगे, जल्दी इसमें नंबर मिल जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। अब इतनी दूर आके आपको स्टैच्यू नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए गौतम बुद्ध का जो स्टैच्यू है उसको करीब से देखेंगे जाके। देखिए रश तो काफ़ी ज़्यादा था, बट एक ही बड़ा वाला बोट आ गया तो आधी लाइन तो ख़त्म हो गई। और ये सिर्फ बड़ा वाला जो बोट है ये आपको बुद्धा स्टैचू जो वहाँ पर दिख रहा है उस पर विजिट करके आ गया, बाकी कोई भी बोट आपको वहाँ तक विजिट नहीं करेंगे, सिर्फ उसके राउंड आपको घुमा कर लाएंगे। बट हम लोगों को स्टैचू पर जाना है तो उसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने बड़ा वाला बोट प्रेफर किया। अभी इसमें बैठते हैं, चलो एक बोट का अभी तो एक राउंड ख़त्म हो गया, अभी आई थिंक सेकेंड बोट आएगी तो जब उसमें बैठ सकेंगे दूसरे राउंड में। भाई देखिए वहाँ से शुरू किए और यहाँ से तकरीबन पूरा लाइन कवर करते हुए यहाँ आ गए हैं, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग रहा है। अगर आप वीकेंड पर अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा जल्दी आइए, तो खड़ेने के प्लान से आइए, या फिर वीकडेज में आइए तो जल्दी मिल जाता है। अभी ये तो छोटा है, इससे पहले बहुत बड़ा आया था तो उसमें काफ़ी सारी पब्लिक बैठ गई थी, ये तो थोड़ा छोटा लग रहा है, इसमें उतनी बैठेगी या नहीं बैठेगी, चलिए देखते हैं। और काफ़ी देर लाइन में खड़ेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं, अभी अंदर जा रही है हमारी बोट है। देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए, और चलिए इस साइड में बैठ जाते हैं। देखिए हमारे पूरे पैसेंजर्स की बोट पे फिलअप हो गई और बोट स्टार्ट हो चुकी है, और अब हम लोग टुवर्ड्स द बुद्धा स्टैचू जा रहे हैं, अभी यू टर्न मार रहे हैं। उतरेंगे और आपको सभी को दिखाएंगे कि बुद्धा स्टैचू का सराउंडिंग कैसा। बहुत सारे लोग जब हैदराबाद आते हैं टैंक बॉन्ड में, तो जब टैंक बॉन्ड की मेन रोड पे से जाते हैं तो उस टाइम पे देखते हैं कि बुद्धा स्टैचू दिखता है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी साइड से अंदर से कैसा होगा और नज़दीक से स्टैचू कैसा होगा, चलिए आपको दिखा। देखिए हुसैन सागर लेक में से जो सराउंडिंग का जो व्यू है, ये टैंक बॉन्ड का एरिया है, ये पूरा आपको टैंक बॉन्ड का जो मेन रोड है, ये जो मेला दिख रहा है, इस मेले पर भी हमने एक उत्सव मेला जो समर उत्सव मेला हैदराबाद में आया था उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्टैच्यू है, देखिए आपको करीब से समझ में आएगा।
हमारी बोट तो अभी यहाँ पहुँच गई, अभी कैसा जाना है देखेंगे। आई थिंक इसमें से उधर ही भेजेंगे लोग, आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों को करीब में लगा देंगे और इसमें से उसमें भेजेंगे, उसमें से इधर, ऐसा ही है। अच्छा आराम से बेटा, लगने दो, आराम से भाई लाइफ जैकेट बॉक्स में डाल दो भाई सब अपने, हमारे को तो नहीं मिली। खैर चलो आ जाओ। चलिए भाई दोनों को कनेक्ट कर दिए और ये मैं तो निकल गया हूँ, अभी अंदर जा रहे हैं जल्दी से फास्ट एक राउंड मार के, फिर दूसरी बोट आएगी तो उसमें बैठ के निकल जाएंगे, ज़्यादा देर तो नहीं बैठेंगे। देखिए आपको दिख रहा है खरीफ से बुद्धा स्टैचू, ये एक आइलैंड टाइप में है, यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक भी है, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत सारी पब्लिक है, तो ये पब्लिक यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन इसकी लाइटिंग्स भी चेंज होती रहेगी, पहले आते वक्त हम रेड थी, उसके बाद अभी ग्रीन हुई है, ब्लू हुई है, तो तीन चार कलर होंगे इसके। देखिए अभी रेड कलर हो गया, ऐसा इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, देखिए ऑलमोस्ट आई थिंक ये 4 या 5 फ्लोर की उतनी हाइट है, ऑलमोस्ट लाइक 50 to 60 feet। देखिए यहाँ पर खड़ने के बाद जो ये पूरा आइलैंड वाला फील आ रहा है और चारों तरफ से एकदम ठंडी हवाएं चल रही है, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ पर। शाम में आप दोपहर की दिन भर गर्मी में जब घूम कर आते हैं गोलकुंडा और कुतुब शाही की जो हमने धूप में घूमे थे, और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी ठंडा और अच्छा माहौल लग रहा है। चलिए अभी बोट की तरफ तो जाते हैं। सब लोग देखिए यहाँ पर खड़े कर फ़ोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि लाइट्स अच्छी आ रही है और फ़ोटोज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए अभी तो बोट आई थिंक रेडी है, बट चले गई है दूसरी, हम आए थे सो वो तो नहीं है, चलो देखते हैं, वेट कर लेते हैं। आई थिंक अब जाने के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा, जो बोट में आए थे वो तो फुल हो गई है, अब कुछ और आने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट में। भाई यहाँ पे दूसरा बोट आई थिंक रेडी है, भाई ये लुम्बिनी पार्क जा रहा है क्या? एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं भैया, कहाँ जा रहा? अभी उधर जा रहा बोले ना जी, वो नेकलेस रोड पे गया वो बोट, ये दूसरा उधर जा रहा ना, हाँ तो दूसरा तरफ भिजा देंगे, लटका देंगे वो एक। हम भी चलिए फास्ट निकलते हैं, चलो भाई छोटा बोट है जो भी है आ गया, तो ये है हमारा बोट। चलिए
रेडी है, कार भी रेडी है, बोल रहे भाई के फोनों पे फोन आ रहे। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे नांदेड़, और नांदेड़ कल इंशाल्लाह जाकर एक वलीमा भी अटेंड करना है, शादी का प्रोग्राम है। तो चलिए चलते हैं, और इस वीडियो को तो और इस व्लॉग को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए भाई, भीड़ अभी तक भी काफ़ी सारी भीड़ आ चुकी है, क्योंकि 8 बज रहे हैं और काफ़ी भीड़ है।